अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अली खालिद एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। ये ट्यूटोरियल हमारे HTML पर है। सो HTML जो हमारे पास एक लैंग्वेज है, इसका फुल नेम है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम है वेबसाइट क्रिएशन के लिए, और आप सिंपली कोडिंग के थ्रू ही अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जो पहले मैंने वीबली पर आपको बताया था वो एक फंक्शनली तरीका था। सो आप यहाँ HTML में इसे कोडिंग के थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स आते हैं, टैग्स आते हैं, सो इजीली, बहुत इजीली है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड करें नोटपैड प्लस प्लस, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 के ऑलरेडी एक नोटपैड दिया जाता है, सिंपल नोटपैड, वहाँ से भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक HTML टैग लेंगे। ये आपके पास एंगल है, एंगल ब्रैकेट्स HTML, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे क्लोज करने के लिए दोबारा HTML टाइप करेंगे, सेम जैसे कि मैंने पहले टाइप किया, लेकिन इस बार हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर ऐड करेंगे। और आपको एक और बात बताता जाऊँ मैं साथ ही साथ, आप सिंपली अपनी इस फाइल को, इस गार्बेज फाइल को आपने सेव करना है। HTML का एक फोल्डर आप क्रिएट करें, और उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स टाइप करें। हम आमतौर पर आप देखते हैं कि बहुत सी वेबसाइट्स पर होम पेज का एक पेज, होम पेज का एक छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ होता है, आमतौर पर होम बना हुआ होता है, और उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं सो वो होम पेज की तरफ चला जाता है। होम पेज यहाँ पर आप ना लिखें, बल्कि होम पेज का जो नेम है रियल में वो इंडेक्स है। सो यहाँ से इसके बाद आप फाइल सेलेक्ट करें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या index.html भी आप टाइप करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया हमारी इस लैंग्वेज को, और अगर आप यहाँ पर अभी भी आपका ब्लैक है, सो आप सिंपली लैंग्वेज की टैब में जाने के बाद H और इसके बाद HTML सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम HTML ओपनिंग टैग के बाद एंटर करेंगे, और इसके बाद हम एक और टैग यहाँ पर ऐड करते हैं जिसका नाम है हेड, और इसको क्लोज करेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश हेड एंगल ऑफ। इसके बाद हेड के अंदर हमारे पास आमतौर पर टाइटल होता है। सो टाइटल किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि टैब हमारे पास ओपन होती है, चाहे वो क्रोम में ओपन हो या मोज़िला फायरफॉक्स में, वहाँ वेबसाइट का नाम या उसके में जो स्टफ़ दिया जाता है, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स के हैं तो वहाँ पर इंडियन सॉन्ग्स एंड इंग्लिश सॉन्ग्स के बारे में लिखा जाएगा, ट्यूटोरियल्स के बारे में है तो फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ होगा टैब पर। सो हम इस टाइटल को यहाँ पर क्लोज करते हैं, और यहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं दिस इज़ वन मिनट, इसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ उर्दू ट्यूटोरियल्स .net। और हम अब इस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, इसे मैं सेव करता हूँ, और रन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कौन सा भी ब्राउज़र इंस्टॉल है, मेरे पास क्रोम है, सो मैं लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास उर्दू ट्यूटोरियल्स .net टैब पर अवेलेबल है। सो गो बैक टू नोटपैड, और इसके बाद आप यहाँ पर हेड पर आएँ और इंटर करें। सो हेड यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमने बॉडी क्रिएट करनी है, जिसके अंदर हम कॉलम्स और अपना दूसरा जो बॉडी का स्टफ़ है, वेबसाइट का स्टफ़ है, जो हम ऐड करते हैं, वो सब बॉडी में ही क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पर आप बॉडी का एक टैग बनाएं और इसे क्लोज करें। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा लाइंस यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ ताकि ईजी हम काम कर सकें। सो बॉडी में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा पैराग्राफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करें, दिस इज लाइन वन, इसे सेव करता हूँ, और अब अपनी उसी एक इंडेक्स फाइल को आप ओपन करें, राइट क्लिक करें, रीलोड या रिफ्रेश। सो दिस इज़ लाइन वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप हो चुकी है। याद रखिए कि आप सिंपली यहाँ पर इस तरह भी टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीक़ेकार है वो है हमारे पास पैराग्राफ का। आप इस लाइन से पहले पैराग्राफ
का टैग आप यहां पर ओपन करेंगे, उसके बाद यहां पर क्लोज सही। सो अब यहां पर पैराग्राफ हमारे पास लाइन है, पैराग्राफ टैग में दिस इज लाइन वन, और इसलिए लिखते हैं दिस इज लाइन टू। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज लाइन वन जो पैराग्राफ में थी उसका टेक्स्ट और दिस इज लाइन टू इसके टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क है, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास सही रियल टैग में लिखी हुई है और ये हमने एक गार्बेज लाइन ऐड की है। ओके जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वो है इटैलिक बोल्ड और अंडरलाइन टैग्स। आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सिंपली एक लाइन लिखते हैं और आपका दिल चाहता है कि आप उनसे बोल्ड करें, सो आप सिंपली एक बटन पर क्लिक करते हैं और वो जो लाइन होती है या हेडिंग होती है वो बोल्ड हो जाती है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने सिंपली बोल्ड का टैग आपने यूज़ करना है जो कि है बी एंगल ब्रैकेट्स एंड बी, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड को हम क्लोज करेंगे। याद रहे HTML में जो सा भी टैग आप स्टार्ट करते हैं उसे आपने क्लोज करना होता है, अदरवाइज वो टैग नीचे वाले दिए गए बाकी कोड के ऊपर इफेक्ट करता है। सो यहाँ पर दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, और इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और दोबारा मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर एक इटैलिक टेक्स्ट जो कि है आई, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। हम इसे फॉरवर्ड स्लैश आई एंगल ब्रैकेट ऑफ। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल है अंडरलाइन, यहाँ पर हम टाइप करते हैं दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। ओके इसे हम यहाँ पर अंडरलाइन को भी हम टैग को क्लोज करेंगे, फाइल सेव, और इसके बाद आपने इसे रन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज़ लाइन वन जो कि पैराग्राफ था, और इसके बाद है दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ इटैलिक एंड दिस इज़ अंडरलाइन। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर हर एक टैग को बोल्ड है चाहे इटैलिक है या अंडरलाइन है तीनों को हमने अलग-अलग लाइंस पर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बोल्ड के लिए 9, 10 एंड 11 तीन अलग लाइंस हैं, लेकिन वेब ब्राउज़र पर आपको ये एक ही लाइन नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये ब्राउज़र जो है कोडिंग आपको मैंने पहले बताया यहाँ पर आप जो सा स्टेप लेंगे कोडिंग के थ्रू लेंगे। इंटर देने के लिए आप यहाँ पर ब्रेक यूज़ करेंगे बी आर। ये आप लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम, इससे कुछ नहीं होता क्योंकि हमेशा बी आर जो है वो निचली लाइन से अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे ऊपर आप लिखेंगे। जैसे देख सकते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे मेरे पास और लाइन नहीं है, सो यहाँ पर इसे हम रिमूव करते हैं सेव। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज बोल्ड टेक्स्ट इटैलिक अंडरलाइन तीनों अलग-अलग लाइंस पर दिया गया है। एक और बात, हमारे पास हेडिंग्स हैं यहाँ पर, सो हेडिंग्स के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ। आप ये मेरी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे मेरी वेबसाइट से, ये सेफ फाइल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें ताकि अगर आप फर्दर अगर आपको हेल्प चाहिए तो। ओके हमारे पास टैग्स दिए जाते हैं हेडिंग्स में, सबसे बड़ी हेडिंग जो है हमारे पास H1 है। H1 अगर देख वन देखा जाए तो ये एक छोटा डिजिट है काउंटिंग में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग को हम H1 कहते हैं, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है हेडिंग वन, इसे क्लोज करना है H1 के थ्रू ही। इसके बाद हमारे पास आती है H2, ये भी हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग टू। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है H3, और लास्ट हेडिंग है हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग H6।
सेव, राइट क्लिक ऑन इट एंड रीलोड। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हेडिंग वन, हेडिंग टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इन छः की छः हेडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो हेडिंग सिक्स है हमारे पास, वो हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट से भी काफ़ी छोटी है, लेकिन वो हेडिंग में आती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो कि टेक्स्ट में ही, पैराग्राफ में ही यूज़ की जाती हैं आमतौर पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता चाहूँ, दिस इज़ लाइन वन, यू आर वॉचिंग क्लिकमी ट्यूटोरियल्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ लाइन वन एंड यू आर वॉचिंग क्लिकमी ट्यूटोरियल्स। सो मैं क्लिकमी को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। सो आप सिंपली किसी भी टैग को यूज़ कर सकते हैं लाइन में किसी भी जगह पर। अगर आप इस लफ्ज़ को सिर्फ करना चाहते हैं अंडरलाइन, सो आप उस लफ्ज़ से राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ आपने ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स को ऐड करना है। सो ये मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल है HTML का। सो फर्स्ट ट्यूटोरियल में थोड़ी सी अगर मुझसे गलती हो जाए, सो उसके आई एम सॉरी। ओके, इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं, राइट क्लिक ऑन इट एंड रीलोड। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ लाइन वन, यू आर वॉचिंग क्लिक मी ट्यूटोरियल्स। आप देख सकते हैं क्लिक मी जो हमारे पास है इसके नीचे अंडरलाइन है। इसके अलावा आप और टैक्सेस पर ऐड करना चाहते हैं, सो मैं आपको वो भी बताता चाहूँ। आप यहाँ पर देखें इजीली, मैं यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, जिस ऑर्डर में आपने टैग्स लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपने इसे क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट पहले आता है अंडरलाइन के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अंडरलाइन के बाद इसे यहाँ पर हमने क्लोज किया है। सो ऑब्वियसली आप पहले अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन टैग इस पर अप्लाई करें, इफेक्ट अप्लाई होगा, उसके बाद बोल्ड इफेक्ट अप्लाई होगा। सो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रीलोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक में बोल्ड हो चुका है। ये थी हमारे पास कुछ टैग्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फर्दर पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए अगर आप कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स और इसके अलावा फ्री स्टफ़ चाहते हैं ताकि आप डाउनलोड कर सकें। सो इसलिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी और इसके अलावा मेरी फेसबुक पेज से भी। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।